का क्वेश्चन ले रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो इस ग्रुप सीरीज के लिए पहले हमको ध्यान में आना चाहिए कि मीन कैसे निकालेंगे, पहले वो डिसाइड कर लो। क्योंकि कोई भी सीरीज का क्वेश्चन हो, मीन हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट से, स्टेप डेविएशन। अभी हम लोग फार्मूला बताओ, x बार मैं 3 टाइम्स लिखता हूं। अगर मुझे मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से तो क्या फार्मूला होगा मीन का? इसी को और कहेंगे अगर क्या लिखा रहता है, कैपिटल एच लिखा रहता है, सारी फ्रीक्वेंसी के टोटल, ठीक। अब ये अगर ये डायरेक्ट मेथड हुआ मीन निकालने का, शॉर्टकट में क्या आएगा, आप जिस पाठक सर की बुक से पढ़ते हैं वहां पे जो डेविएशन जो डी है, उस डी के बदले में डेविएशन का हमको कभी वो थीटा साइन से कभी थीटा साइन से भी दिखाते हैं। तो कॉलम को कोई तो एक नाम देना है, कोई एक वेरिएबल यूज करना है, ज्यादातर आपका डी चलता है। आपके किसी और बुक में कुछ ऐसा सिंबॉल दिखे तो सिंबॉल अलग है, बस इतना ही उसका मीनिंग याद रखना। हम इसमें क्या करते हैं, दिए हुए डेटा में से कोई एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं पहले से भी, और उसको ए से ही आप दिखाते हैं एज्यूम करके, प्लस यहाँ पे एफ और एक्स के बदले में फ्रीक्वेंसी और डेविएशन कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होता है डिवाइडेड बाई समेशन एफ, ये फार्मूला है। अब फार्मूला देखकर क्या क्या कॉलम बनेगा आपके मन में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर स्टेप डेविएशन है, स्टेप डेविएशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे, ए प्लस डेविएशन वैल्यू बी को जिस बड़ी वैल्यू से हमको डिवाइड करते बनता है, 2 से, 4 से, 6 से, 10 से, 5 से, देखेंगे डी का कॉलम कैसा बना हुआ है, अकॉर्डिंगली आप उससे डिवाइड करते हो तो उसको आई समझो, और इसको नया कॉलम क्या दे देते हैं, यू। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और डेविएशन के बदले यू कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होता है एफ इनटू यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और जिस वैल्यू से आपने यहाँ डिवाइड किया है वही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है आई। किसी बुक में मैंने इसके जगह एच लिखा हुआ भी देखा है, तो एच या आई वो वैल्यू है जिससे आपने डेविएशन को डिवाइड किया, ठीक। अगर आप पिछली क्लास में नहीं आया थे तो ये तीन फॉर्मूले हैं मीन निकालने के, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। और आप बताओ इसको किससे बनाए, इसमें जो मिड वैल्यूज आएंगे, क्योंकि ग्रुप सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी, इसलिए हम इसको स्टेप डिविजन से बनाएंगे, वैल्यू छोटा कर लेंगे, ठीक। आप ये नोट कर लेंगे, बताए आगे चलते हैं, पीछे कर ले बेटा, चलिए सॉल्यूशन में कॉलम बनाओ। पहला कॉलम क्या रहेगा आपका, क्लास ही रहेगा, क्लास के बगल में आपको मिड टर्म या मिड वैल्यू जो भी शब्दों का यूज करें, उसके बाद गिवन फ्रीक्वेंसी दिया है वो लिख लो। पहले हमको मीन कैलकुलेट करना है, तो पहले डी बना लो, डेविएशन को डिवाइड कर देंगे यू बन जाएगा, फिर यू के बाद क्या करोगे एफ इंटू यू कॉलम चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आपके कॉलम बनते जाते हैं, ठीक। क्लास लिखिए जल्दी, 140 से 150, 150 से 160, 10-10 का इंटरवल है। इंटरवल है,
14 को मैं छोटी वैल्यू माइनस 14 को सबट्रैक्ट करो, यहां क्या आएगा लिखेंगे आप समेशन f इनटू u इक्वल टू 42 में ये कम करिए 14 12 को कम करेंगे हो जाएगा 30 2 और कम करो 28 ठीक है। हाउ कैलकुलेट मीन ये मैं समझाने के लिए दिखाता हूं, आपके पास जगह ऐसा नोटबुक में ना रहे आप अलग से ना करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं बाकी चीज रफ में करें। नाउ मीन n इक्वल टू देयरफॉर मीन m इक्वल टू एज्यूम द मीन प्लस समेशन f u अपॉन समेशन f इनटू i ठीक है। एज्यूम मीन कितना था 165 प्लस समेशन f u इज 28 फ्रीक्वेंसी टोटल हमने नहीं किया समेशन f आप बताओ बेटा कितना किया 45 श्योर 10 10 20 30 32 45 45 मल्टीप्लाइड बाय i है आपका 10 कैसे करें काटें 5 से 2 जा 9 जा 165 प्लस कितना हो जाएगा 56 बाय 9 9 से डिवाइड करो 6 पॉइंट समथिंग आया 6.2 56 डिवाइड बाय 9 6.2 ये भी आ गया पॉइंट। अब ऐड करिए 171.2 आपका मीन आया। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए भी पॉइंट में आपका डिफरेंस आया ठीक है। आपने मीन कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या चाहिए मीन डेविएशन, उसके लिए एक्स माइनस मीन वाली कॉलम चाहिए आपको और इसकी पॉजिटिव वैल्यू को मॉड ऑफ एक्स माइनस एन को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका टोटल करेंगे। मीन कैलकुलेट करने के बाद सभी डेटा में से हमको मीन को सबट्रैक्ट करना पड़ता है, एक्स माइनस एन का अलग बनेगा। तो मीन कितनी थी अभी सर हमारी पिछली 171.2 है ना, अब पॉइंट में 145 माइनस 171.2 माइनस 36.2 एक बार कैरी करो ना माइनस 36.2 71 और 45 हाँ 26 का डिफरेंस है पॉइंट ठीक है माइनस 26.2 सही आएगा और देख लेंगे। अब उसके बाद हम 10 10 का डिफरेंस लेते जाएंगे 10 का हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में 16.2 हाँ 16.2 हो जाएगा 65 से करेंगे तो माइनस 6.2 अब 175 में वैल्यू बड़ी हो गई 175 में जब सबट्रैक्ट करोगे उसको 3.8 आना चाहिए पॉइंट में अंदर का फोर होता है 3.8 10 बढ़ा लीजिए हाँ 13.8 और 23.8 अब इसको पॉजिटिव ले करके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो करिए मल्टीप्लाई 4 × 26.2 कर लीजिए 10 अब आया 100 पावर 104.8 नेक्स्ट है 6 × 16.2 जोर से बोलना 97.2 ओके 10 से करेंगे तो 62 हो जाएगा 45.6 कितना 45.6 124.2 कितना बोले 95.4 सबमिट हुआ है। चलो आप लोगों ने भी कर लिया डेली, अब उसका टोटल करना है 528.4
5 to 8.4, ये हो गया समेशन f into mod of x minus m equal to, ठीक। आगे पीछे भी लिख सकते हैं 5 to 8.4। समेशन f of f into mod of x minus m आया 5 to 8.4। अब आपको फॉर्मूला में रख देना है फाइनली इसको, यहाँ लिखते हैं ऊपर mean deviation about mean delta m equal to 1 by n into summation f into mod of x minus n। वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है हमारी, कैपिटल n है 45, समेशन f वही n है आपका, इनटू ये वैल्यू आया है 528.4। इसको इससे डिवाइड कर दो कैलकुलेटर से डायरेक्ट, लेकिन उसने क्या है मीन जो है राउंड अप है।